गांधी को रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार के विरासत को संभालने का मौका मिला। इस सीट को जीतने के लिए राहुल ने पूरी ताकत झोंकी। अपने परिवार का कनेक्ट, खुद लोगों का कनेक्ट लोगों के सामने ला रहे। लेकिन सवाल, क्या पब्लिक राहुल को रायबरेली से कनेक्ट होने देगी? क्या पब्लिक राहुल की बातों पर, उनके वायदों पर यकीन करेगी? इस रिपोर्ट में बता देगी। बस ये कार्यकर्ता उस जमाने का। पहली बार आप रायबरेली कब गए? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए। तो यही प्लान मेरा रायबरेली के लिए है कि रायबरेली को बाकी देश से जोड़ा जाए। और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? मैंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो गाड़ी बहुत लंबी हो गई थी। हाँ सर जी, वो देखे थे हम लोग टीम में। कितने लोगों के बाल काटते हो तुमने? 10-12-15 संडे दिन ज्यादा हो जाता है, 20-25 हो जाता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत कांग्रेस ने रायबरेली में लगा रखी है। पांचवें चरण में रायबरेली में चुनाव है, यानी इसी महीने की 20 तारीख को रायबरेली में मतदान होना है। प्रचार के लिए अब 2 दिन का वक्त और बचा है, और इसमें ही राहुल को पूरी रायबरेली को न सिर्फ साधना है बल्कि रिकॉर्ड जीत के लिए जनमत भी जुटाना है। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। अमेठी में राहुल के लिए 2019 के नतीजे जलाने वाले ही रहे, इसीलिए सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली रायबरेली को भी राहुल फूंक फूंक कर देख रहे हैं। हार के डर से घबराए राहुल ने 2024 में अमेठी को ही टाटा बाय बाय कर दिया और काफी ना नुकुर के बाद रायबरेली को चुना है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन दोनों ही वीडियो में राहुल रायबरेली कनेक्ट दिखा रहे हैं। ये सारी स्टाइल काटते हो? जी जी। और आपके बाल कौन काटता है? और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? आपने वही वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है? हाँ सर। बाल पे? हाँ सर। वो क्या हो रहा है? मैंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो गाड़ी बहुत लंबी हो गई थी। केरल की वायनाड सीट से तो राहुल चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन गांधी नेहरू परिवार की विरासत मानी जाने वाली रायबरेली से राहुल का ये चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। न्याय यात्रा के जरिए देश से कनेक्ट करने का आइडिया राहुल को इतना पसंद आ चुका है कि वो अपने प्रचार का इसे सबसे बड़ा हथियार बना बैठे। 3 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में राहुल रायबरेली के एक सैलून में पहुंचे, बिल्कुल आम आदमी की तरह। सैलून का नाम है न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून। देखिए किस तरह से राहुल सैलून वाले से सवाल कर रहे हैं। ये राहुल का पब्लिक कनेक्ट है, लेकिन राहुल के लिए पब्लिक क्या कह रही है ये सुनिए। माहौल तो बीजेपी का चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बड़े मार्जिन से जो है ये सीट निकलेगी। रायबरेली में तो बीजेपी का माहौल है पूरी तरीके। सोनिया जी जैसे जीत के गई तो कभी लौट के नहीं आई 5 साल, तो लोगों में इस बात की चर्चा है कि क्या ये जीतने के बाद वापस आएंगे। रायबरेली से जीतने अलग बात है, बाकी जो अखिलेश मोदी क्या कहते हैं योगी मोदी को नहीं हरा पाएगी। यहाँ से जो प्रतिद्वंदी है राहुल गांधी जिनका नाम है, उनको कोई कारण नहीं है कि यहाँ की जनता कोई वोट दे, सरकार उनकी बननी नहीं है। राहुल के लिए रायबरेली का रण प्रतिष्ठा और मान का रण है। रायबरेली जीत गए तब तो ठीक, अगर अमेठी की तरह नतीजे आ गए तो फिर राहुल के लिए और पूरी कांग्रेस के लिए ये बड़ा सेटबैक होगा। इसीलिए राहुल ने रायबरेली के लिए पूरी ताकत को झोंक रखा है। हर वो हथियार राहुल रायबरेली के लिए इस्तेमाल कर देना चाहते हैं जिसमें जीत की गुंजाइश हो। ये वीडियो देखिए, 6 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में राहुल और राहुल के परिवार के रायबरेली कनेक्ट को दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में राहुल अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ बैठे हैं और एक एल्बम को साझा कर रहे हैं। इस एल्बम में नेहरू गांधी परिवार की रायबरेली जर्नी है। याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी अपने दौरा, ये मुझे याद है पापा अपने आप चलाते। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते, पापा ने वहां पे एक प्रोग्राम किया था और इंडस्ट्रियल एस्टेट और रायबरेली कप में 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप
के लिए बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते थे। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। इस वीडियो के जरिए निश्चित तौर पर नेहरू गांधी परिवार का रायबरेली कनेक्ट दिखाई देता है और यही बात राहुल रैली में भी कर रहे हैं। राहुल ने वायनाड के बाद अमेठी को छोड़ रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ने का मन बनाया, इसका जवाब वो माँ के माध्यम से दे रहे हैं। मैंने माँ से कहा कि एक दो साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी दो माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी, और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी दो मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है। रायबरेली पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस वीवीआईपी सीट से कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है। सबसे पहला चुनाव 1957 में हुआ था और जिसे कांग्रेस के बैजनाथ कुरील ने जीता था और सांसद बने। उसके बाद 1957 में पहली बार नेहरू गांधी परिवार के सदस्य यानी राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी इस सीट से सांसद बने और तब से ये सीट नेहरू गांधी परिवार की विरासत बन गई। 3 बार इस सीट से इंदिरा गांधी सांसद रही, साल 1967 में, 1971 में और साल 1980 में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह ने 2 बार इस सीट पर जीत दर्ज की। एक बार जनता पार्टी के राज नारायण ने जीत दर्ज, लेकिन साल 2004 से 2019 तक इस सीट से सोनिया गांधी ने लगातार 5 बार जीत दर्ज की। पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 का परिणाम देखें तो सोनिया गांधी यहां से अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कर चुकी हैं। 2014 में सोनिया गांधी ने 33% वोट के साथ 5,26,434 वोट हासिल किए और बीजेपी के अजय अग्रवाल को मात दी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने 55.78% वोट शेयर के साथ 5,34,918 वोट हासिल किए और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को मात दी। लेकिन 2024 के रण में इस सीट पर गांधी नेहरू परिवार का नया वारिस मैदान में है। निश्चित तौर पर रायबरेली में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं। कोई कारण नहीं कि इस सीट से राहुल गांधी 2024 का चुनाव ना जीते, लेकिन ये सियासत है जो अच्छे अच्छे तुर्रम खां को अर्श से फर्श पर लापटकती है। रायबरेली से राहुल के खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। पिछले बार में ही इतना ज़्यादा उनको कंपटीशन मिल गया था कांग्रेस को कि इस बार उनको लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रियंका जी यहाँ पर कैंपेन कर रही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से नेता आ रहे हैं, जब गांधी परिवार की, उनका कहना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है एक तरीके से, तो जब तुम्हारी प्रॉपर्टी है भैया तो इतना मतलब प्रयास करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो आदमी जीत का सर्टिफिकेट लेने ना आया हो और 5 साल दर्शन न दिया हो, वो कैसे अपना गढ़ कह सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लाज को बचाने के लिए प्रियंका ने बहुत पहले से मोर्चा संभाल रखा है। वो अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी लगातार प्रचार कर रही है। यूं समझिए कि भाई राहुल को जिताने के लिए प्रियंका ने सियासत के सारे घोड़े खोल दिए हैं। डोर टू डोर कैंपेन की सारी कमान प्रियंका ने संभाल रखी। वहीं रायबरेली के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर के तौर पर जिम्मेदारी दी। रायबरेली की जनता के बीच पूरा जोश भरा जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि वो राहुल को वोट नहीं देंगे बल्कि देश के भावी पीएम को वोट देंगे। सुनिए भूपेश बघेल को। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। हालांकि भूपेश बघेल के इस बयान ने इंडी गठबंधन के बाकी साथियों में खलबली जरूर मचा दी है, खासकर यूपी में कंधे से
कंधा मिलाकर चल रहे अखिलेश के दिमाग में कांटा जरूर गड़ा दिया है। नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारे हम क्यों बता दें इनको? राहुल पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे ये बाद में तय होगा, लेकिन रायबरेली में राहुल को ताकत तो लगानी पड़ेगी क्योंकि सामने योगी और मोदी है। बीजेपी ने रायबरेली के रण को हल्के में नहीं लिया है, बल्कि बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका रायबरेली में राहुल को हराकर ही दे, जैसा 2019 में अमेठी में किया था। यही वजह है कि बीजेपी ने अब तक अपने दो दो स्टार प्रचारक और सबसे मजबूत महारथियों अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को रायबरेली में प्रचार के लिए उतार दिया है। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए रायबरेली से भी जाएंगे। राहुल की राह आसान नहीं है। जनता राहुल से कितना कनेक्ट करती है और नेहरू गांधी परिवार की साख को कितना सहेज पाती है, 20 तारीख को मतदान और 4 जून को नतीजों के बाद साफ हो जाएगा।